खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 117 सीटों पर वोटिंग, पीएम मोदी ने डाला वोट। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूँ। अमित शाह की किस्मत हुई कैद, वायनाड में राहुल की सीट पर वोटिंग, समाजवाद के गढ़ में वोटरों का सिक्का। चुनाव के बाद देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा इसी गठबंधन से। बिहार में दिग्गजों की किस्मत दांव पर, लालू यादव को इस हालात में पहुंचाने वाले कौन लोग? तीसरे दौर का चुनाव कौन जीतेगा? नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है चुनाव के खास शो माननीय मैडम जी का, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 117 सीटों पर कौन जीतेगा। दरअसल तीसरे दौर में 117 सीटें जिस पर वोटिंग हो गई, जहां वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां अभी वोटिंग जारी है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वोट डाला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किस्मत आज ईवीएम में वोटर्स ने कैद कर दी है। उत्तर प्रदेश में मुलायम के गढ़ में वोटिंग हुई है। बिहार में भी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। तो आज के इस तीसरे दौर में क्या रहा वोटिंग का पूरा हिसाब किताब, हमारे साथ संवाददाताओं की टीम मौजूद है। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से दिग्गज जिन्होंने आज वोट डाले, जिसमें सबसे बड़ा नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सामने निकल कर आया। गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोट पड़े, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई आज, महाराष्ट्र में 14 सीटों पर वोट डाले गए और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें थी। ये 10 सीटें यादव बेल्ट वाली सीटें जिस पर हुई है वोटिंग। और अब जल्दी से आपको मिलवाते हैं, मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से प्रतिमा हमारे साथ हैं, बिहार से प्रकाश कुमार हैं, महाराष्ट्र से जितेंद्र दीक्षित और बंगाल से प्रकाश सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज दिन भर आपने पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाया। शुरुआत में प्रतिमा से कर लेती हूं। प्रतिमा, उत्तर प्रदेश 10 सीट का पूरा लेखा जोखा दर्शकों के सामने आप रख दीजिएगा, लेकिन शुरुआत कीजिए उस रामपुर सीट से जहां से दिन भर आज रिपोर्ट पहुंचा रही थी आप। रामपुर के रण में किसका मतदाता ने डंका बजाया आज? जी रोमाना, सबसे दिलचस्प, सबसे हॉट सीट अगर किसी को मानी गई है इस 10 सीटों में, तो वो रामपुर को ही माना गया है। जिस दिन जयप्रदा ने 31 मार्च को रामपुर में एंट्री की थी, उसी दिन से हम लगातार देख रहे हैं कैसे तीखे जुबानी तीर छोड़े जा रहे थे आजम खान की तरफ से और जवाब देती थी जयप्रदा। तो इस तरीके का सिलसिला आज भी देखने को मिला। आज जब मतदाता घरों से बाहर निकले तो उनको ये उम्मीद थी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो जाएंगे, उन्होंने मन बना रखा है कि उन्हें किसे वोट देना है, लेकिन उसके बाद भी बयान आते गए आजम खान के पक्ष की तरफ से सीधा सीधा आरोप लग गया कि 300 मशीनें, 300 ईवीएम यहां खराब हो गए हैं। जिसके बाद जयप्रदा की तरफ से यह जवाब दिया गया कि यह हार का डर है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो पूरा दिन यह सब कुछ चलता रहा। केवल रामपुर ही नहीं, रामपुर से सटी हुई मुरादाबाद सीट, संबल सीट, वहां पर भी जो गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन लोगों ने प्रशासन के पर सीधे सीधे आरोप मढ़ दिए कि प्रशासन जो है वो धांधली में जुट गया है, ईवीएम में गड़बड़ी का भी आरोप लगा दिया। और लगातार इसी तरीके का कुल मिलाकर पूरा दिन यही सब देखने को मिला कि सुबह 7 बजे जो वोटिंग शुरू हुई, अब तक जो जारी है उसमें कुछ इसी तरीके की खबरें सुबह से लेकर अब तक आती रही रोमाना। इसके अलावा बता दूं, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर आज चुनाव हुआ है उसमें 2014 में 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 3 पर समाजवादी पार्टी ने, लेकिन चूंकि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है तो इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब मुकाबला केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं रह गया है, बल्कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बनाम गठबंधन का हो गया है। इस बार भी अगर बात करें तो इन 10 सीटों पे कुल मिलाकर यही तस्वीर देखने को मिल रही है। और लेकिन ये जो 10 सीटें हैं प्रतिमा, ये यादव बेल्ट वाली सीटें, ये यादव बेल्ट वाली सीटें,
और ऐसे में जो यादव परिवार की फूट इस बार चुनाव से पहले खुलकर आ गई, शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली, उसका क्या असर पड़ेगा इस पर मैं आऊंगी आपके पास बाद में। लेकिन पहले जरा जल्दी से दर्शकों को बिहार लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की 5 सीटों पर आज वोट डालेगा। और प्रकाश, मधेपुरा इसमें बेहद खास, क्योंकि 12 दिन तक खबर यह थी कि नीतीश कुमार जो है डटे रहे मधेपुरा में, तो फिर जेडीयू के यादव के लिए कितनी उम्मीद यहां से बांधे। बिल्कुल रोमाना, 12 दिन वो इस इलाके में इसलिए थे क्योंकि ये चुनाव इसी बेल्ट में हो रहा था, सीमांचल बेल्ट, कोसी बेल्ट में। तो ये जो अभी 14 सीटें हुई हैं जिसमें से आज 5 सीट है, उसमें से प्रमुख है मधेपुरा, जहां से दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं। लेकिन पप्पू यादव और शरद यादव ही सब ज़्यादा निशाने पर थे, क्योंकि जितना ज़्यादा वोट पप्पू यादव काटेंगे उतना ही फायदा दिनेश चंद्र यादव यानी नीतीश कुमार की पार्टी को होगा। तो जाहिर है कि शरद यादव इस बार लालटेन छाप पर लड़ रहे हैं, लालू यादव के साथ आ गए हैं, तो अब ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। वहीं बगल में सुपौल सीट है जहां पप्पू यादव की पत्नी ये कांग्रेस पार्टी से रंजीता रंजन खड़ी हैं, तो वहां पर भी जेडीयू से ही मुकाबला है। और वहां क्योंकि बागी हैं, जिस तरह से मधेपुरा में पप्पू यादव बगावत कर रहे थे, तो उसी तरह से आरजेडी का भी एक उम्मीदवार बगावत पर था, तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है रंजीता रंजन को, जो पप्पू यादव की पत्नी हैं और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। वहीं तीसरी सीट है अररिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है और उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रदीप सिंह, जिनका मुकाबला है सरफराज से, तो यहाँ भी चुनौती है। और चौथी सीट है वो झंझारपुर है, जहाँ पर कि ये साफ दिख रहा था कि अति पिछड़ा मतदाता और बीजेपी के मतदाता वो भारी संख्या में निकल कर आए, जहाँ पर पलरा भारी दिख रहा है। खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी की सीट है, वहाँ से भी मुकाबला कड़ा है। महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ा मुकाबला भी टक्कर में है। बिल्कुल, तो टक्कर का मुकाबला देखने के लिए मिला है। बिहार की 5 सीटों का पूरा गणित आपके सामने प्रकाश ने रखा। जल्दी से महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, महाराष्ट्र की 14 सीटें थी आज, यहां तो कुल मिलाकर गठबंधनों की लड़ाई, कौन किस पे भारी? जी हाँ, सही बात है, महाराष्ट्र में आज 14 सीटों पर चुनाव था और कई महाराष्ट्र के दिग्गज चेहरे जैसे कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, इसके अलावा नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे जो कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रकांत खैरे जो कि 4 बार सांसद रह चुके हैं, इम्तियाज जलील जो AIM के एकमात्र उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र में, इन तमाम बड़े चेहरों की आज लड़ाई देखने मिली। और सबसे ज्यादा जो दिलचस्प लड़ाई रही वो बारामती में, जहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जो है यहां पर देखा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट होने जा रही थी। अब से 4-5 दिनों पहले यहां पर अमित शाह की एक सभा हुई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बारामती ये शरद पवार का जो गढ़ माना जाता रहा है, इस बार बीजेपी उनसे ये गढ़ छीन लेगी। और यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने शुरुआत से ही चुनाव कैंपेनिंग की है, जिस आक्रामक तरीके से, तो जाहिर तौर पर सुप्रिया सुले के लिए अपना गढ़ बचा पाना जो है काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। दूसरा एक अहम डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले ही मुंबई में हुआ है, बीजेपी की विरोधी तमाम पार्टियां जो है कांग्रेस, NCP, आम आदमी पार्टी और चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम नेता जो है इस वक्त अब से कुछ देर पहले ही ये मुंबई के YB चौहान सेंटर में मिले। इन्होंने वहां पर एक मीटिंग की और ये कहा कि उन्हें शक है कि EVM मशीनों के साथ में छेड़खानी की जा सकती है और इसलिए EVM के साथ VVPAT वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो कि लगाया जाता है, उसकी चिट्ठियों की कम से कम 50% चिट्ठियों की भी जो है गिनती की जाए, ताकि जो चुनाव के नतीजे आएंगे उन पर विश्वास जताया जा सके। तो इन तमाम लोगों ने कहा कि हमें इस बात का शक है कि EVM मशीनों के साथ में मैनिपुलेशन हो सकता है। शरद पवार ने यह कहा कि हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन हमें लगता है कि EVM के जरिए जो है हमारे साथ में धोखाधड़ी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर अपना आदेश साफ कर चुका है। मैं पश्चिम बंगाल लिए चलती हूँ दर्शकों को। प्रकाश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, पश्चिम बंगाल में तो आज बम तक चल गए, एक शख्स की मौत भी हो गई, चुनावी हिंसा दिन ब दिन ये चरण दर चरण के साथ बढ़ती जा रही है बंगाल में। बिल्कुल रुमाना, रुकने का नाम तो नहीं ले रही है, उल्टे बढ़ती जा रही है। एक वोटर जो वोट डालने आया था मुर्शिदाबाद के डोमकल इलाके में, और वोट डाल के जब निकल रहा था
ठीक उसी वक्त कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया, बमबाजी हुई, लाठियां भांजी गई, पत्थर फेंके गए। इस घटना में एक आम वोटर, आम नागरिक जो वोट डालने आया था, उसकी मौत हो गई है। तीन लोग अभी भी अस्पताल में हैं। आज वोट की शुरुआत सुबह 7 बजे मुर्शिदाबाद इलाके में ही एक तृणमूल काउंसिलर बमबाजी में घायल हुए। तो कुल मिलाकर पहले दो चरणों में हमने जो देखा था जी, जिस तरह की हिंसा हुई थी, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे कि वोटरों को वोट नहीं डाला जा रहा है, इस बार भी वो रुका नहीं। इस बार भी हिंसा हुई, इस बार भी बमबाजी हुई, और कुल मिलाकर ऐसे ही कमोबेश आरोप इस बार भी लगाए गए। बिल्कुल, और आज तो एक शख्स की जान तक चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर 117 सीट कौन जीत रहा है 23 मई? सबसे तेज नतीजे देखिएगा अपने चैनल एबीपी न्यूज पर हमारे साथ।